हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से लिंक्डइन पर आप अपनी जॉब सर्च को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को ऐसा बना सकते हैं जहां से आप जॉब सर्च आसानी से कर सकें और रिक्रूटर्स के लिए अवेलेबल हो जाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को अवेलेबल फॉर वर्क को दिखाना है। वो जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ओपन टू वर्क या तो अपडेट योर सिचुएशन वेदर यू आर ओपन टू वर्क टू हायरिंग मैनेजर्स और टू एवरीबडी। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सेक्शन जो है वो ऑल कर लें, जैसे ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को आप टिक कर लेते हैं और अपने जो भी चुनिंदा सेक्शंस हैं, जैसे आपका टाइटल क्या है, इंजीनियर है मान लो कॉमर्स के लिए है रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन है, ऑन साइट हाइब्रिड, लोकेशन आप डाल सकते हैं, इमीडिएटली आप ज्वाइन करना चाहें फुल टाइम पार्ट टाइम, इस तरीके से मान लो जैसे ही आप सेव कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन टू वर्क का एक सेक्शन आ जाता है। ये आपके प्रोफाइल को एचआर जो ढूंढ रहे हैं जॉब उनके लिए बहुत ही आसान बना देता है। तो पहली चीज़ ये आपको करनी होगी अगर आप फ्रेशर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल सिर्फ एचआर रिक्रूटर्स को ही लगे, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं तो आप जनरली ये ओपनली लिंक्डइन पर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके दोस्त जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं आपके साथ वो देखेंगे कि आप दूसरा जॉब सर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए आप रिक्रूटर्स ओनली को टैब को अपडेट करके सेव कर दीजिएगा, इससे आपकी सिचुएशन सिर्फ रिक्रूटर्स को ही नज़र आएगी। जैसे ये जो है उसको हम अगर अपडेट करते हैं तो वो आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, और अगर यहाँ पर लिंक्डइन रिक्रूटर करके आप सेव कर देंगे यहाँ पर से, तो देखिए यहाँ पर से जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को तो आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने अपना सारा डिटेल और प्रोफाइल जो है उसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करेगी रिक्रूटर को आपके रिक्रूटमेंट के बारे में आसानी से ढूंढने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपको जॉब सेक्शन में जाना होगा। जॉब सेक्शन में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो रिकमेंडेड फॉर यू जो दिखा रहा है, ये जो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ ओपन टू वर्क में डाली थी उस हिसाब से यहाँ पर ये आ जा रहा है। यहाँ पर मान लो अगर आप कुछ ने जॉब रिसेंट सर्च करी हो, यहाँ पर आप जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो इस तरीके से बना लीजिएगा, और आप अपने जॉब सर्च को इस तरीके से फिल्टर और सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिमोट जॉब के लिए सर्च किया तो यहाँ पर से कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपके प्रोफाइल रिलेटेड, और यहाँ पर से अप्लाई का बटन आ जाता है। यहाँ पर दो कैटेगरी ऑफ जॉब्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ मैं अप्लाई का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर जो है वो कहेगा कि आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये लिंक्डइन जॉब्स पर ही ले जा रहा है आपको, वहाँ से आप अपना जॉब एप्लीकेशन अपने रेज्यूमे के साथ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि आप किस लिंक पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस में यहाँ पर होगा ये कि आपको आउटसाइड लिंक्डइन ले जाया जाएगा और आप वहाँ पर इन जॉब्स को अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली केयरफुल रहिए जो भी आप क्लिक करें, आप देखें आप कहाँ पर ले जाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा इस प्रोफाइल को पोस्ट करने वाले के बारे में भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी ये जॉब्स को सर्च करने के लिए। फटाफट हम अपने होम पेज पर चले जाते हैं और ये देख लेते हैं कि एक और आसान तरीका जहाँ पर से आप अपने आपके लिए बढ़िया जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सेक्शन में जाएंगे तो माई नेटवर्क्स का एक सेक्शन जो बन जाता है, वहाँ पर से आपको ग्रुप्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर डिस्कवर ग्रुप्स करिएगा और यहाँ पर से देखिएगा आपके रेलेवेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग ये रिलेटेड ग्रुप्स को आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर से एक रिक्वेस्ट ज्वाइन का बटन डाल करके आप जो है इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप्स में जो डिस्कशंस होते हैं और रेलेवेंट लोग होते हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे और उनके पोस्ट पर कॉमेंट करेंगे तो आपके पास एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है जॉब रिक्रूटर्स की नज़र में आने के लिए। तो जो दो तरीके हैं, एक है जॉब सर्च वाला टैब जहाँ पर से आप अपने लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर डाला तो जो भी जॉब्स हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेट अलर्ट का ऑप्शन भी है, सेट अलर्ट में आपके पास रेगुलरली ईमेल आ जाएंगे जॉब्स के जहाँ पर से आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई का बटन दबा रहा हूँ तो मैं आपको लिंक्डइन जॉब्स पर ले जाता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये डायरेक्ट प्लेसमेंट पर ले जाता है। जैसे अगर आप देखें तो MS इंजीनियर L1 का जो प्लेसमेंट है एंटिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर ले गया है ये हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसीलिए आप ध्यान से अपने लिए जॉब सर्च का सिचुएशन लिंक्डइन से बनाइए, अपने प्रोफाइल को पूरी तरह कंप्लीट करिए, रेज्यूमे को अपलोड करिए, उसके बाद जॉब सर्च के लिए इस तरीके की टूल्स का इस्तेमाल करिए, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको लिंक्डइन से जॉब मिल जाए।
इसी तरीके हेल्पफुल वीडियोस हम लोग रेगुलरली बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।